खान का डोगरा में जिला इंतजामिया की लापरवाही, लारी अड्डा मसारिस्तान बन गया। बिजली की मेन तारें खस्ता हाल, सीवरेज का सिस्टम भी नाकारा। राहगीर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खानका डोगरा में लारी अड्डे पर बिजली की मेन तारें खस्ता हाल होने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, जबकि सीवरेज का सिस्टम भी नाकारा हो गया है, जिसके बाइस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मजहर इकबाल शिराजी की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा लारी अड्डे पर बिजली की मेन तारें खस्ता हाल होने की वजह से इंतहाई खतरनाक हो चुकी हैं। जगह जगह पर लगे जोड़ने राहगीरों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। ट्रक मेन जीडी रोड अड्डे रोज नुकसान होता है, अग लगती है। इतने गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं करती पी, ना एसडीओ ना वापटा कोई भी। ये तारे नीचे होने की वजह से कई दफा सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों से टकराकर टूट भी चुकी हैं, मगर वापडा हुकाम के कानों पर चूं तक नहीं रेंगती। वापडा हुकाम की इस मुजरमाना गफलत की वजह से घरों का कीमती सामान जलने की शिकायत आम हैं। दूसरी तरफ सड़क पर लगे बिजली के पोल भी गल सड़ चुके हैं और सड़क की कुशादगी के वक्त इन्हें वहीं छोड़कर इस कुशादगी के सम्राट खत्म कर दिए गए हैं। मसरूफ गुजरगा होने की वजह से इन तारों के सबब किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। हरियों ने एससी शेखुपुरा और चीफ लेस्को लाहौर से इस सारी सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बरह मेहरबानी तारा उचिया की जान सामने नजर आ रहा है, सामने अग लगन लगे थी, इतने अभी थले काम कर रहे हैं, मजदूर बंदे अभी साड़ी जिंदगी का कुछ ना कुछ हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। अड्डा पर लटकती है बिजली की तारे, कई इंसानी जानों को निकल चुकी है। शहरी हल्कों ने वापडा हुकाम से अपील की है कि इस तरफ तवज्जो करके इंसानी जानों के जाकर रोका जाए। मजर इकबाल शाजी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा।